हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। और रैशनलाइज करने से हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। और हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर वन पे। सो इधर पे है एक फ्रैक्शन 1/√3। सो रैशनलाइज जब भी डिनोमिनेटर पे होता है, जब ये एक फ्रैक्शन है, इसका ऊपर वाला न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज हमें करना है। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो पहले तो हमें इसको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो इस फ्रैक्शन का नीचे कौन है, √3 है, उसे हमें क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। और हमें इसका ऊपर ऊपर का न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट लेना है और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेना है। लेते 1 × √3 दैट विल रिमेन √3 ओनली। सो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी √3 और √3 मल्टीप्लाई होगी कितना होगा, √9 होगा। और इससे हमें क्या मिलता है, √9 परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, रूट किसका है, 3 का। सो हमारा रैशनलाइज करके इसका आंसर कितना हुआ। अब चलते हैं लेवल की दूसरी पार पे, 2 नंबर के क्वेश्चन पे। वहां पे है 1/√3 + √2। इसको सॉल्यूशन कैसा होता है, पहले देखिए 1/√3 + √2। और डिनोमिनेटर में कितना है, √3 + √2। और आपको करना है पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगाए, और क्या करना है, यही डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखना है, लेकिन क्या करना है, आपका साइन क्या होगा, माइनस होगा। और नीचे भी इतना ही होगा, √3 - √2 से मल्टीप्लाई होगा। जब इधर पे प्लस होगा उधर माइनस होगा, और इधर माइनस होगा उधर प्लस होगा, इतना ही डिफरेंस है इनमें से। सो अभी करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करके √3 - √2 ही बैठेगा। और यहाँ पे आप लोग जरूर देखिएगा, फोकस करिए, ये आपका इफ ए होगा या ये बी होगा, या इमेजिन करिए, और ये आपका ए होगा या ये बी होगा, और ये माइनस इसका साइन और ये इसका प्लस, ए प्लस बी ए माइनस बी, कहीं तो देखा होगा आप ये फॉर्मूला, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अभी हम क्या लिखते हैं, ए के प्लेस में क्या है, √3, और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना। यहाँ ए पे क्या है, √3 है, और इसका होल स्क्वायर, और ए साइन क्या है, माइनस, और बी के प्लेस में क्या है, √2 है, √2 का होल स्क्वायर। तो अभी √3 - √2 है ऊपर तो, और ये क्या करेगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया, देखिए इधर पे √3 का मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर कितना रेज किया है, हाफ से रेज किया, और इसके ऊपर क्या था, मल्टीप्लाई विद द 2, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग 3 एनलीस। तो ऐसे होता है। सो नीचे क्या बैठेगा, 3 बैठेगा 1 और 2 बैठेगा, और आपका आंसर क्या होगा, इधर से 3 - 2 कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, और √3 - √2 आपका फाइनल आंसर। सो रैशनलाइज करने से एक बात आपको दिखाई दिया होगा, नीचे का रूट भी क्या होगा, हट जाएगा और न्यूमिरेटर में चला जाएगा। आपके सामने 3रा नंबर का क्वेश्चन, जिसमें है 5/√3 - √5। तो पहले तो आप लोगों को बताया था लिखना क्या है, जो दिया था वो लिखिए, √3 - √5 ये लिखिए, और इधर क्या बताना है, मल्टीप्लाई का साइन लेना है, और नीचे क्या है, उसे हमें ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई करना है √3, लेकिन अभी के टाइम में साइन क्या होगा, अब के टाइम में साइन प्लस होगा और ये √5 होगा, और नीचे भी सेम होगा इसका जैसा +√5। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना है 5 × √3 + 5 × √5 होगा, और नीचे क्या होगा, नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा, इसको ए समझे ये माइनस होगा, इसको बी समझे इसको ए, और इसको प्लस इसको बी, ये हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए के प्लेस में क्या है, √3 है, और बी के प्लेस में क्या है, √5 है, इसको होल स्क्वायर लीजिए, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, वो सेकंड वीडियो में दिखाया था। और अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर में क्या है, 5 + √3 + 5 √5, लेकिन इसका क्या है, वेरिएबल्स डिफरेंस है, तो एडिशन तो नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसका
कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना रहेगा, अंदर पे रूट थ्री प्लस रूट फाइव। सो नीचे में क्या है, 3 माइनस कितना है 5 इक्वल्स टू 5 रूट थ्री प्लस रूट फाइव ब्रैकेट 3 माइनस 5 कितना होगा, 3 माइनस 1 बड़े से छोटे से बड़े घटाने से कितना मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, और इसका फाइनल आंसर ये साइन भी माइनस ऊपर चला जाएगा और 5 रूट थ्री प्लस रूट फाइव और 2। अगर आप इधर पे 5 कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी आंसर सही होगा, क्योंकि मैंने क्यों निकाला था, कभी कभी नीचे से एक परफेक्टली डिजिट नंबर आएगा और उसको मल्टीपल्स होगा और वो कट जाएगा और आंसर और सिंप्लीफाइड होगा। सो चलते लास्ट एक वीडियो के साथ, 4 नंबर के साथ लेवल के। सो पहले तो लिखना है 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 7, और आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लीकेशन साइन जरूर लेना है, और नीचे क्या है 3 माइनस रूट 7 है, अभी क्या होगा 3 प्लस रूट 7, और नीचे भी क्या होगा 3 प्लस रूट 7, और 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 दो दो 3 प्लस रूट 7 है, इसका ऊपर का पावर कितना होगा 1 होगा, और इसका ऊपर का पावर कितना होगा, पावर पावर एडिट होगा, और नीचे का बेस कितना है सेम है, सो 3 प्लस रूट 7 ये होगा होल स्क्वायर। और आपको इसे नहीं आता है तो क्या करिए, इससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इससे इससे और इससे इससे और इससे इससे, और डायरेक्टली आपको ऐसा पावर शुड बी एडिट तो रूल्स याद है तो ये अप्लाई करिए। सो नीचे क्या है, नीचे ए है, ये माइनस है, ये क्या है, ये बी का काम करेगा, ये ए है, ये प्लस है, ये बी का काम करेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला तो वही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही है ना। सो 3 स्क्वायर माइनस रूट 7 होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 प्लस 7 होल स्क्वायर किस साथ देख रहा है, ये इसका ए का काम कर रहा है ये 3, और ये प्लस है, और ये रूट 7 बी का काम कर रहा है, और होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी, ये है ना फॉर्मूला। सो इधर अप्लाई करते हैं, 3 के ए के प्लेस में क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करिए, प्लस बी के प्लेस में क्या है रूट 7 होल स्क्वायर, और प्लस 2 तो आपको लिखना है, और ए के प्लेस में क्या है 3 है, और बी के प्लेस में क्या है रूट 7 है, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस ये रूट क्या करेगा और इसके साथ कैंसिल करेगा और बैठेगा कितना 7, और फाइनल आंसर आ रहा है आप लोगों का 3 का स्क्वायर 9 है, और ये क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा और 7 बैठेगा इधर पे, और ये 2 इंटू 3 6 रूट 7 बाय कितना होगा 9 माइनस 7 2, और इसको 9 प्लस 7 कितना होगा 16 प्लस 6 रूट 7 बाय 2। अभी और भी है, अभी ऊपर के टर्म में देखिए तो कॉमन निकलेगा, कॉमन कितना निकलेगा 2 टाइम्स कॉमन निकलेगा, 2 टाइम्स कॉमन निकालेगा 2 8 जा 16 2 3 जा 6 रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2। सो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 8 प्लस 3 रूट 7 आपका फाइनल आंसर हो गया।